ईयर 1974, साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने अंतरिक्ष में एक मैसेज भेजा। ये एक फन प्रोजेक्ट था जिसमें वैज्ञानिकों ने बाइनरी कोड की मदद से धरती में मौजूद जीवन को दर्शाता हुआ एक सिंपल मैसेज तैयार किया, फिर उसे धरती के सबसे पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप के जरिए स्पेस में भेज दिया गया। इसे खास तौर पर हरक्यूलिस स्टार क्लस्टर की ओर भेजा गया जहाँ स्टार्स की डेंसिटी काफी ज्यादा थी। इसका यह मतलब नहीं कि साइंटिस्ट मानते थे स्पेस में जीवन मौजूद है, बल्कि एक सेरेमोनियल एक्सरसाइज थी जिसके जरिए वो अपने रेडियो टेलीस्कोप की नई टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाना चाहते थे। किसी भी वैज्ञानिक ने उस मैसेज का रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे भी सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम यहाँ से 25,000 लाइट ईयर्स दूर था, तो इसकी कोई संभावना वैज्ञानिकों को दिखाई नहीं देती थी। इसके बाद साइंटिस्ट अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन 27 सालों के बाद कुछ अजीब हुआ। उस मैसेज का रिप्लाई आ गया। यो 1965 की एक सुबह ऑस्ट्रेलिया में जॉर्ज पेडली नाम के एक किसान अपने फार्म में काम कर रहे थे, तभी उन्हें अजीब बजिंग साउंड सुनाई देने लगा। वो तुरंत ही साउंड के सोर्स को ढूंढने निकल पड़े और तभी उनकी नजर एक सर्कुलर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर पड़ी जो पानी और कीचड़ की दलदल के पास से ऊपर की ओर जा रहा था। वो क्राफ्ट तेजी से ऊपर की ओर गया और जल्द ही नजरों से गायब हो गया। जॉर्ज ने आसपास देखा तो उन्हें गोलाकार फ्लैट पैटर्न स्वाम की घास में दिखाई दिया। उन्हें लगा शायद वो सर्कुलर क्राफ्ट घास के ऊपर उतरा था, शायद इसीलिए निशान घास में बना है। सर्कल का डायमीटर 30 फीट का था और इसके अंदर की घास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंट थी। जब इस घटना को रिपोर्ट किया गया तो लोकल्स ने कहानी के आधार पर इस सर्कल को यूएफओ नेस्ट कहा, लेकिन असल में वो एक क्रॉप सर्कल था। 1960s से लेकर आज तक हजारों की तादाद में क्रॉप सर्कल्स पाए गए। वैसे तो हर कॉन्टिनेंट में क्रॉप सर्कल्स पाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रॉप सर्कल्स यूनाइटेड किंगडम के विल्टशायर में मिले हैं। इनकी डिजाइन सिंपल से लेकर काफी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। कुछ पिक्टोग्राम की तरह होते हैं, लेकिन उनका मतलब कोई समझ नहीं पाता। ये क्रॉप सर्कल्स दिखने में कितने भी विशाल लगें, लेकिन इसका फॉर्मेशन आमतौर पर रात के समय बहुत तेज होता है। क्रॉप सर्कल्स के पास अक्सर लाइट ऑर्ब्स या लाइट बीम्स पाए गए हैं। क्रॉप सर्कल्स वैसे तो न्यू एज मिस्ट्री लगती है, लेकिन ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनसे पता चलता है ये काफी लंबे समय पहले से अपीयर होते आए हैं। 9th सेंचुरी के एबोगार्ड टाउन में बिशप ने कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में लिखा कि वो डेविल वर्शिपर्स हैं। वो लोग दरअसल ऐसे ही क्रॉप सर्कल से सीड कलेक्ट करते थे और अपने रिचुअल में उसका इस्तेमाल करते थे। क्रॉप सर्कल्स की सीड में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज थी जिसका इस्तेमाल वो लोग कर रहे थे? शायद इसका जवाब हमें आगे चलकर मिले। यो 1686 में ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर रॉबर्ट प्लॉट ने क्रॉप सर्कल्स के बारे में लिखा। उन्होंने अपने घर के पास बने क्रॉप सर्कल्स के स्केचेस भी तैयार किए थे। रॉबर्ट का कहना था कि उन सर्कल्स की क्रिएशन लाइट बॉल से होती है और क्रॉप सर्कल बनने के बाद जानवर उसके करीब नहीं जाते। ठीक उसी समय द मूविंग डेविल नाम की पैम्फलेट रिलीज हुई। एक किसान ने रात के समय अपने खेत के ऊपर तेज रोशनी देखी थी। जैसे ही वो उसके पास गया, वहां क्रॉप सर्कल मौजूद था। किसान की माने तो वो सर्कल इतना परफेक्ट था कि सिर्फ डेविल ही उसे बना सकता था। हेनरी द 8th के लाइब्रेरियन ने भी क्रॉप सर्कल्स के बारे में लिखा था। उसने रात के समय घास के मैदान में पैटर्न्स उभरते देखे थे। यो 1945 में एक हॉट एयर बलूनिस्ट ने भी क्रॉप सर्कल की तस्वीर ली। यो 1952 में यूएस एयरफोर्स ने कैंसस में मौजूद क्रॉप सर्कल्स को इन्वेस्टिगेट किया। 1963 में सर पैट्रिक मोर ने इसके क्रिएशन फिनोमेनन को इन्वेस्टिगेट किया था। इतना ही नहीं, डेड सी स्क्रोल्स के साथ मिली बुक ऑफ इनॉक में ऐसी लाइट्स के बारे में लिखा था जो अपने पीछे धरती में निशान या पैटर्न्स छोड़ जाती है। बात सीधी सी है, क्रॉप सर्कल्स को तब से देखा जा रहा है जब से हिस्ट्री रिकॉर्ड होना शुरू हुई। हजारों क्रॉप सर्कल्स होने के बावजूद किसी ने इस फिनोमेनन को कैमरा में कैप्चर नहीं किया था, लेकिन 1996 में ये काम भी हो गया। जॉन वेली ऑलिवर्स कासल नाम की हिल में कैंप कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। उन्होंने अपना कैमरा निकाला और ये रिकॉर्ड किया। Strange objects hovering above a cornfield. Below, complex circle formations. अब लोगों की इन सर्कल्स के बारे में अलग अलग राय थी। कोई इंटेलिजेंस आखिर ऐसे ही फार्म में पैटर्न क्यों बनाएगी?
इसके पीछे कोई तो मकसद होगा। ज्यादातर लोग मानते थे कि ये मैसेजेस हैं। वैसे तो ये लॉजिकली ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा वो पैटर्न ड्रॉ क्यों करते हैं? अगर उन्हें मैसेज देना है तो वो किसी लैंग्वेज में क्यों नहीं दे देते? ईयर 2001 में उन्होंने यही किया। में हर्क्यूलिस कॉन्स्टलेशन में एक मैसेज भेजा गया था। इसे एरेसिबो मैसेज कहा जाता है, क्योंकि जिस रेडियो टेलीस्कोप के जरिए से भेजा गया था उसका नाम एरेसिबो था। जिस टीम ने मैसेज भेजा था उसे डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक ने अपने असिस्टेंट के साथ हेड किया था। ये मैसेज लैंग्वेज में नहीं हो सकता था, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में लोग इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। ये मैसेज 1679 बाइनरी डिजिट्स को एक खास इमेज में कन्वर्ट करके भेजा गया था। फर्स्ट रो में 1 से लेकर 10 तक नंबर्स थे, और इन्हीं के अंदर नंबर्स के सारे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट रो में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर थे। कार्बन को अलग दर्शाया गया क्योंकि सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ में धरती पर कार्बन डोमिनेंट है। इसके बाद ह्यूमन डीएनए हीलिक्स स्ट्रक्चर के जरिए दर्शाया गया। उसके नीचे एक ह्यूमनॉइड शेप के जरिए धरती के लोग यानी ह्यूमंस को दर्शाया गया। उसकी एवरेज हाइट और उस समय धरती की पॉपुलेशन जो कि 4 बिलियन से कुछ ही ज्यादा थी। नेक्स्ट रो में हमारा सोलर सिस्टम था, सन से शुरू करके प्लूटो तक। अर्थ को थोड़ा ऊपर दिखाया गया क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं। इसके बाद एक बड़ा ग्राफिक जो एरेसिबो टेलीस्कोप को दर्शाता था, जिससे ये मैसेज भेजा गया। वैसे तो वैज्ञानिकों को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर कोई स्पीशीज वहां एग्जिस्ट करती भी तो भी उनका रिप्लाई यहाँ 50,000 साल बाद आना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 14 अगस्त 2001 को चिल बॉल्टन टेलीस्कोप के पास एक फॉर्मेशन पाई गई। लोगों को ये अजीब पैटर्न लग रहा था क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री नहीं थी, लेकिन इसका असली पैटर्न तब सामने आया जब इसे ऊपर से देखा गया। ये एलियन फेस था जो 3 दिनों के बाद गायब हो गया। इसके बाद जो सामने आया उसे एरेसिबो आंसर कहा जाता है। इस फॉर्मेशन में सेम ग्रिड यूज किया गया था जिसके डायमेंशन 23x78 थे। टॉप लाइन में 1 से 10 तक नंबर्स थे, लेकिन रिप्लाई में सिलिकॉन को मेन एलिमेंट ऑफ लाइफ दर्शाया गया, ना कि कार्बन को। उनके डीएनए स्ट्रक्चर में 3rd स्ट्रिंग भी मौजूद थी। उसके नीचे ह्यूमनॉइड फिगर था जिसका बड़ा सा सर था, और उनकी पॉपुलेशन 21 बिलियन थी। उस फिगर के नीचे उनका सोलर सिस्टम था, जिसमें दिखाया गया कि उन्होंने 3 प्लैनेट्स ऑक्यूपाई किए थे। तीसरे प्लैनेट का पैटर्न काफी अजीब था, या शायद वो प्लैनेट ना हो बल्कि कोई विशाल यूएफओ हो। हमारे एरेसिबो मैसेज में रेडियो टेलीस्कोप का पैटर्न था, लेकिन उन्होंने रिप्लाई में ये पैटर्न बनाया था। इससे 1 साल पहले उसी जगह पर ये फॉर्मेशन बनी थी जो हूबहूब इस पैटर्न से मेल खाती है। अब स्केप्टिक्स और साइंटिस्ट जान गए थे कि ना केवल स्पेस में कोई लाइफ है बल्कि इंटेलिजेंट स्पीसीज मौजूद है। लेकिन सवाल वही था कि आखिर वो किसी लैंग्वेज में जवाब क्यों नहीं दे देते। ठीक 1 साल के बाद ये फॉर्मेशन सामने आई। इसमें एक एलियन फेस था और साथ ही एक कॉम्प्लेक्स बाइनरी कोड। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कोडिंग स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करके इस बाइनरी कोड को डीकोड किया गया, जिससे ये मैसेज निकलकर सामने आया। Beware the bearers of false gifts and their broken promises. Much pain but still time. Believe there is good out there. We oppose deception. Conduit closing. ये जो भी स्पीशीज थी हमसे अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करना चाहती थी। यो 2004 में रॉबर्ट रिज मेक्सिको के रॉसविल में हंटिंग कर रहे थे। वहां उन्हें रेत में दबा हुआ एक अजीब पत्थर मिला। पत्थर में एक खास ज्योमेट्रिक कार्विंग थी, लेकिन रॉबर्ट को लगा शायद वो एक शोपीस था। रॉबर्ट ने अपने दोस्तों को वो पत्थर दिखाया और जल्द ही उसके बारे में रहस्यमयी चीजें सामने आने लगी। एक तो ये मैग्नेटाइज्ड रॉक था जो उस इलाके में नहीं पाया जाता, और माइक्रोस्कोप से देखने पर पता लगा कि ये रॉक एकदम स्मूथ था। इसमें कार्विंग मार्क्स भी मौजूद नहीं थे। हैरानी की बात थी, लेकिन इस पत्थर के मिलने से 8 साल पहले ये पैटर्न नजर आया था। दोनों डिजाइंस मैच कर गई थी, जिससे कुछ लोगों को लगा कि ये कोई मैसेज है। कुछ ने कहा ये कोई नक्शा है, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि रॉसविल रॉक और पहले के सभी क्रॉप सर्कल्स एक होक्स हैं। लेकिन अगर ये होक्स हैं, तो कौन लोग थे जो इतना इलेबोरेट होक्स करते थे, और आखिर क्यों? 1991 में ब्रिटिश न्यूज़पेपर में ये स्टोरी पब्लिश हुई, द मैन हु कॉन्ड द वर्ल्ड। सितंबर 9, 1991, दो रिटायर्ड लोगों ने कन्फेस किया
कि ये क्रॉप सर्कल फिनोमिनन उन्होंने ही शुरू किया था। डॉग बर्न ने कहा कि ये आइडिया उन्हें एक पब में शराब पीते वक्त आया था। वो 1966 में क्वींसलैंड में रहते थे जब यूएफओ ने सर्कल ऑफ रीड्स बनाया था। डॉग का कहना था कि उन्हें ये सब करके काफी मजा आता था क्योंकि लोग यूएफओस और एलियंस पर विश्वास करने लगते थे। उन्होंने अपने दोस्त की मदद से ये काम शुरू किया। वो एक वुडन प्लैंक का इस्तेमाल करके सर्कल्स बनाते थे और इसके बाद उस जगह से निकल जाते थे। इंटरनेशनल मीडिया ने यह स्टोरी उठाई और क्रॉप सर्कल की मिस्ट्री सॉल्व हो गई। लेकिन क्या सच में ऐसा ही हुआ था? डॉग और उनके पार्टनर से क्रॉप सर्कल्स बनवाए गए और उनके क्रॉप सर्कल्स एकदम बेकार निकले। उनकी फॉर्मेशन सिमेट्रिक भी नहीं थी। वो एक सीधी लाइन तक नहीं बना पा रहे थे। इतने कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स की तो बात ही दूर थी। वो हर एक टेस्ट में फेल हुए। दरअसल क्रॉप सर्कल्स क्रिएट करने वाले वो लोग नहीं थे बल्कि वो क्रॉप सर्कल को फेक बताने वाले होक्सटर्स थे। उनसे पूछा गया कि क्रॉप सर्कल्स के पास पैरों के निशान नहीं पाए जाते तो वो खेत के बीचों बीच उस लोकेशन तक कैसे पहुंचते हैं। डॉग ने कहा वो दो पोल्स का इस्तेमाल करके बिना पैर जमीन में रखे सेंटर तक जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं। जब उन्हें पोल्स दिए गए तो उनसे वो भी नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उनकी स्टोरी हर इंटरव्यू में चेंज होती गई। कभी वो कहते उन्होंने 76 में पहला सर्कल बनाया, किसी चैनल में वो उसे 78 बताते तो कभी 69। जब डॉग और डेव सामने आए थे तब तक दुनिया भर में 1500 सर्कल सामने आ चुके थे जिन्हें बनाना उनके लिए संभव ही नहीं था। अब सवाल उठा कि अगर डॉग और डेव ने वो सर्कल्स नहीं बनाए थे तो और कोई भी तो बना सकता था। क्या ऐसा कोई तरीका था जिससे पता चल सके कि ये पैटर्न्स इंसानों ने नहीं बनाए? बिल्कुल था। मैनमेड क्रॉप सर्कल्स प्लैंक का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं तो इस प्लैंक से प्लांट्स को नुकसान होता है। वो बीच से टूट जाते हैं और फिर ग्रो नहीं हो सकते। ग्राउंड पर वो बिना किसी सिमेट्री के गिरे रहते हैं जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वो मैनमेड हैं। अब जेन्युइन क्रॉप सर्कल्स ऐसे नहीं होते। ग्राउंड पर क्रॉप्स इस तरह बिछी मिलती हैं जैसे बहता हुआ पानी हो। किसी प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि वो ग्रो भी होते रहते हैं और कुछ दिनों बाद वो वापस अपनी वर्टिकल पोजीशन में आ जाते हैं। 2001 के एक पैटर्न में तो प्लांट्स को बेंड तक नहीं किया गया था, उनके टॉप को हल्का सा मोड़ा गया था जिससे ये पैटर्न सामने आया। गर्मियों के मौसम में वीट प्लांट कड़क होता है और ऊपर से मुड़ जाता है, लेकिन क्रॉप सर्कल में बेंट हुए क्रॉप्स एकदम स्ट्रेट पाए गए थे। ये करना तो इंसान के बस में ही नहीं है। तो फिर ये कैसे हो रहा था? रेडिएशन की मदद से। 1990s में साइंटिस्ट विलियम लेवनगुड ने एक और खास बात नोटिस की। क्रॉप सर्कल में पाए गए क्रॉप्स के एपिकल नोड्स या जॉइंट्स अचानक बड़े पाए गए और ऐसा होना तभी संभव था जब वहां माइक्रोवेव रेडिएशन का बस्ट हुआ हो और ये क्रॉप में अंदर से हो रहा था। इसे फेक नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने क्रॉप सर्कल्स को अपनी आंखों से बनते देखा है उन सभी ने ये पैटर्न्स बनने के बाद उस इलाके में एक मिस्ट भी देखी है। ये मिस्ट दरअसल वो स्टीम है जो माइक्रो रेडिएशन की वजह से क्रॉप को हीट करती है। रेडिएशन में एक्सपोज हुए क्रॉप्स बाकी क्रॉप्स के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे थे। जो लोग क्रॉप सर्कल्स के अंदर खड़े होते थे उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इफेक्ट साफ दिखाई देता था। वीडियो में हम साफ देख सकते हैं कि कैसे उनके हाथ पर रेडिएशन से रेडनेस आ रही है। ये जल्द ही फेड हो जाती है लेकिन वापस हाथ नीचे ले जाने पर फिर वापस नजर आने लगती है। एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक महिला पेशेंट जिसका थायराइड ग्लैंड काफी बड़ा हो चुका था, उसे क्रॉप सर्कल में 2 घंटे बिठाया गया और उसी दौरान वो 40% श्रिंक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्कल के अंदर काम करना बंद कर देती थीं। अब स्केप्टिक्स कह सकते हैं कि ये सारे इफेक्ट इसलिए हो सकते हैं कि क्रॉप सर्कल्स पर विश्वास करने वाले ऐसा मान रहे हैं और उनका माइंड उनके साथ ट्रिक कर रहा है। लेकिन फिर आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इन्हें घोस्ट सर्कल्स कहा जाता है। जब किसी जगह क्रॉप सर्कल अपीयर होता है तब क्रॉप्स के वापस पहले जैसा हो जाने के बाद भी वहां कई दिनों तक वो पैटर्न नजर आता रहता है, कई बार तो कुछ सालों के लिए। हर साल सुलबरी हिल के पास क्रॉप सर्कल अपीयर होते हैं। ये हिल चौक की बनी हुई है और इस चौक एक्वाफर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की क्षमता होती है। ये सारे साइंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ओर इशारा करते हैं। सिल्सबरी हिल के करीब ही स्टोनहेंज मौजूद है और यहाँ सबसे मशहूर क्रॉप सर्कल पाया गया था। यो 1996 में ये फ्रैक्टाइल फॉर्मेशन अपीयर हुआ जिसे स्टोनहेंज सरप्राइज कहा जाता है। ये इतनी कॉम्प्लेक्स डिजाइन थी कि अगर एक पूरी टीम इसे बनाने में लग जाती तो भी उन्हें कम से कम 20 घंटों का समय लगता।
लेकिन स्टोनहेंज के पास टाइट सिक्योरिटी होती है। वहां गार्ड्स ने उस रात कुछ भी अनयूजुअल नहीं देखा था, ना ही वहां रात में कोई आया था, लेकिन दूसरी सुबह ये पैटर्न मौजूद था। इतना तो समझ आ चुका था कि जो भी इंटेलिजेंस इन सर्कल्स को बना रही थी वो अपने मैसेजेस देने के लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर रही थी, और मैथमेटिक्स यूनिवर्सल लैंग्वेज मानी जाती है। लेकिन आखिर वो मैसेजेस क्या थे? एलियंस हमें क्या बताना चाहते थे? क्या क्रॉप फॉर्मेशन स्पेस ट्रैवल के सबूत हैं? क्या वो स्पेस ट्रैवल के एक्सप्लेनेशन हैं? क्या वो कोई मैप है, या फिर वो किसी मशीन को बनाने के ब्लूप्रिंट्स हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, हाँ। धीरे धीरे क्रॉप सर्कल्स और कॉम्प्लेक्स होते चले गए। ये है मशहूर मिल्क हिल गैलेक्सी स्पाइरल, जो 2001 में मिला था। ये लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया गया पैटर्न है, जिसमें लगभग 450 परफेक्ट सर्कल्स हैं। इस पैटर्न को एक ही रात में बनाने में कितने लोग लगेंगे, इसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। और इंग्लैंड काफी नॉर्थ में है, वहाँ दिन लंबे होते हैं और रात का अंधेरा सिर्फ 4 घंटों के लिए होता है। और ये पैटर्न जिस रात वहाँ बनाया गया, उस रात वहाँ बारिश हो रही थी। अगर लोगों ने इसे बनाया होता तो चारों ओर मिट्टी और पैरों के निशान होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 2011 में ये डबल स्पाइरल अपीयर हुआ। उसी रात एक और डबल स्पाइरल स्टोनहेंज में भी पाया गया। डॉक्टर जेरी क्रॉथ ने बताया कि ये फॉर्मेशंस दरअसल न्यूट्रॉन स्टार्स को दर्शाती है। ये काफी रेयर फिनोमिनन है, लेकिन कई बार दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में कोलाइड करते हैं और एक मैग्नेटार बनाते हैं। इनके कोलाइड होने से आसपास की एनर्जी और स्पेस बैंड हो जाती है और एक वर्म होल क्रिएट हो जाता है। ये इतने रेयर होते हैं कि अब तक सिर्फ 10 मैग्नेटार यूनिवर्स में पाए गए हैं। लेकिन जिस दिन ये फॉर्मेशन अपीयर हुई, उसी दिन एक मैग्नेटार भी अपीयर हुआ था। कहीं एलियंस का ये मैसेज तो नहीं था कि इस मैग्नेटार की मदद से हम स्पेस ट्रैवल करके किसी बेहतर प्लेनेट पर जा सकते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकोला रोमांस्की ने एक क्रॉप फॉर्मेशन देखा और उन्होंने इस फॉर्मेशन की तस्वीर लेकर 3D सॉफ्टवेयर में इसका 3D वर्जन तैयार किया। उन्होंने और कई फॉर्मेशंस के साथ ऐसा ही किया और उन्हें लगा कि वो एक ऐसी मशीन के ब्लूप्रिंट तक पहुंच गए हैं जिसके जरिए लाइट की स्पीड से ट्रैवल किया जा सकता है। लेकिन आखिर निकोला ने इन ब्लूप्रिंट्स का क्या किया? उन्होंने फ्लाइंग मशीन बनाई। निकोला ने फंड्स कलेक्ट करके 3 सालों में इसे बनाया था, लेकिन कुछ कमी रह जाने के कारण वो कामयाब नहीं हो सके, या यूं कहें कि उनके फंड्स खत्म हो गए और उन्हें किसी ने मदद नहीं की। अब क्रॉप सर्कल्स का सच जानना काफी मुश्किल काम है। क्रॉप सर्कल्स को बनाने वाले लोग भी हैं, लेकिन बाकी क्रॉप सर्कल्स इंसानों के द्वारा बनाए गए नहीं लगते। लेकिन स्टोरी में एक और मोड़ है जो काफी इंपॉर्टेंट है। 1990 में ऑपरेशन ब्लैकबर्ड लॉन्च किया गया। ये 3 हफ्तों का सर्विलेंस ऑपरेशन था जिसका मकसद क्रॉप सर्कल्स को फॉर्म होते हुए फिल्माना था। इस प्रोजेक्ट को क्रॉप सर्कल रिसर्चर कॉलिन एंड्रयू सेट कर रहे थे। इसे BBC ने स्पॉन्सर किया था और ये जमीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की थी। कोई अंदर ना आ सके, इसके लिए लैंड एरिया को सील कर दिया गया था। दुनिया भर से लाखों लोग इसे TV पर देख रहे थे। लेकिन फिर एक क्रॉप सर्कल मिला और उसके बीचों बीच एस्ट्रोलॉजी बोर्ड गेम। ये एक होक्स बताया गया। What was being described by the watchers of Operation Blackbird as a major scientific event turned out to be a very corny joke. These had been left in the center of every circle, a paper board game similar to a Ouija board. And then some 5 hours later, this wire was found in the center of one of the circles, and they think that this is the key to the hoax. तब से क्रॉप सर्कल्स को होक्स बताया जाने लगा, लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। कॉलिन एंड्रयूज को बाद में समझ आया कि आर्मी और BBC उन पर इतने मेहरबान क्यों थे। दरअसल ये होक्स आर्मी ने क्रिएट किया था। वो ना केवल कॉलिन एंड्रयूज की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना चाहते थे, बल्कि दुनिया को ये मैसेज देना चाहते थे कि क्रॉप सर्कल होक्स हैं। हैरानी की बात है, जब ऑपरेशन ब्लैकबर्ड चल रहा था, तभी ब्रिटिश डिफेंस उसी इलाके से कुछ मील दूर अपना सीक्रेट सर्वेलेंस प्रोग्राम चला रहा था। वहां ना केवल क्रॉप सर्कल अपीयर हुआ, बल्कि उन्होंने वाइट टॉप को क्रॉप सर्कल बनाते कैप्चर कर लिया। और आज भी जब क्रॉप सर्कल्स या वाइट टॉप्स अपीयर होते हैं, उस लोकेशन पर जल्दी कोई ना कोई मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी देखा जाता है। अब आपको तय करना है कि आप किस पर विश्वास करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।